हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम इकोनॉमिक्स का आज लेक्चर वन देखेंगे। इकोनॉमिक्स ख़त्म होने में टोटल आई थिंक 120 के आसपास लेक्चर लगेंगे। तो आज हम लेक्चर वन देखेंगे जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स को समझेंगे, बेसिक बातें। ओके, सो ये है हमारा लेक्चर नंबर वन। ओके, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें समझेंगे, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो किसी चीज़ की स्टडी करता होगा, जैसे सभी सब्जेक्ट करते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो वो जो भी पास्ट के इवेंट्स हैं, पास्ट के डेवलपमेंट, पास्ट की घटनाएं, इवेंट्स या जो कुछ भी हैं, पास्ट के इंफॉर्मेशंस की कंपाइलेशन या उनको स्टडी करता है, वो हिस्ट्री है। जैसे पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरीज को स्टडी करता है। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन साइकोलॉजी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्टडी करता है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट इकोनॉमी को स्टडी करता है। ठीक है, तो सवाल है कि इकोनॉमिक्स अगर इकोनॉमी को स्टडी कर रहा है तो फिर ये इकोनॉमी क्या होता है। तो अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो किसी भी देश या रीजन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन की जो सिचुएशन है या इनसे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका मेजरमेंट या उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सिचुएशन ही इकोनॉमी कहलाता है उस देश या रीजन की। और उस देश या रीजन की इन्हीं सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जिसे हम जीडीपी से मेजर करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको हम जीडीपी से मेजर करते हैं, और ये जीडीपी मेजरमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। यानी कि प्रोडक्शन की सिचुएशन को जीडीपी मेजर करती है, विच इज़ स्टडीड अंडर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जैसे कि कंजम्पशन के लिए कितना टोटल एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। कंजम्पशन एक सिचुएशन है जिसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। साथ ही साथ आप देख ले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो और या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ले लें, या फिर मतलब कि हम क्या बाहर बाहर के देशों में क्या सामान भेज रहे हैं, हम बाहर से क्या सामान मंगा रहे हैं, ये सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन सबको हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यानी इकोनॉमी क्या है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है, या इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जो सिचुएशन है उसे इकोनॉमी कहते हैं। और उन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनके सिचुएशन का मेजरमेंट और स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आप थोड़ा यहाँ लिख देते हैं कि इकोनॉमी इकोनॉमी इज़ द सिचुएशन। ओके, इकोनॉमी इज़ द सिचुएशन सिचुएशन ऑफ वन इज प्रोडक्शन। इकोनॉमी इज द सिचुएशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ठीक है, सो इकोनॉमी इज द सिचुएशन ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, तो इकोनॉमी इज द सिचुएशन ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन ऑफ 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 इसको यहां लिख देता हूं, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, अब हम देखते हैं तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी को स्टडी करता है। तो फिर इकोनॉमी क्या है, किसी भी देश या रीजन में प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन
जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन हो रहा है, उसकी जो भी सिचुएशन है या इनसे जुड़ी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सब इकोनॉमी कहलाता है। और उनका उनको मेजर करना, उनको स्टडी करना, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमी इज़ द सिचुएशन ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी और मेजरमेंट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। ये तो बेसिक अंतर हो गया। अब देखिए, हर इकोनॉमी की, दुनिया के आप किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो सभी इकोनॉमी में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम होती है स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल। सॉरी, स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल तो इनिशियली होती ही है, लेकिन हर इकोनॉमी में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स होती है। ठीक है, स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल भी होता है, पर हम उसको बाद में देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स, ये हर इकोनॉमी की कॉमन प्रॉब्लम होती है। अब स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स से क्या मतलब है मेरा, देखिए, जैसे कोई रीजन या इकोनॉमी ऐसा होगा जहाँ पर फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे टिम्बर या वुड एक ऐसा रिसोर्स है जो एबंडेंट हो सकता है, लेकिन वहाँ मिनरल रिसोर्स या फिर क्रूड ऑयल रिसोर्स अगर स्केयर्स हैं या क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स नहीं हैं, तो वो वहाँ पे इन मामलों में रिसोर्स डिप्राइव्ड हैं। वहीं पे अगर हम मिडिल ईस्ट का एग्जांपल लें तो मिडिल ईस्ट के पास ह्यूज क्रूड ऑयल डिपॉजिट है, पर वो अदर मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल ओर्स में या फ्रेश वाटर्स के मामलों में स्केयर्स हैं। ठीक है, यानी आप दुनिया की कोई भी इकोनॉमी पकड़ ले, वहाँ ओवरऑल अगर सारे रिसोर्सेज की बात करें तो कुछ रिसोर्सेज वहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में हो सकती हैं, काफ़ी सारी रिसोर्सेज हो सकता है कि ना हो या उनकी स्केयरसिटी हो। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ वेरिएशन अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है। तो अगर स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स हर इकोनॉमी में कॉमन प्रॉब्लम है, तो सबसे इस स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स से जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि रिसोर्स एलोकेशन कैसे किया जाए। इसको ऐसे समझते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं और आप मार्केट में उतर जाएँ, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि इन 100 रुपये में, अगर आपको ये कहा जाए कि इन 100 रुपये में आपको जो ख़रीदना हो ख़रीद लीजिए, तो उन 100 रुपये में आप वो चीज़ें खरीदेंगे जो आपका नीड होगा। ठीक है, जो आपकी ज़रूरतें होंगी। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस कम हैं, तो अगर हम इन रिसोर्सेस से अगर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में बनेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं और किस क्वांटिटी में बनाएं। ठीक है, तो और फिर तो ये जो क्वेश्चन है कि अगर रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि इन स्केयर्स रिसोर्सेज से हम क्या बनाएं, क्या हम गुड्स एंड कमोडिटीज़ बनाएं। ठीक है, तो अगर रिसोर्सेस स्केयर हैं तो स्केयर्स रिसोर्सेस से हम क्या बनाएं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का जो आंसर मिलता है वो आता है नीड पे। ठीक है, नीड्स, तो उस इकोनॉमी या रीजन में लोगों की जो नीड्स हैं उनका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो लोगों की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, और अगर हम लोगों के नीड के हिसाब से गुड्स का, अगर हम लोगों के नीड के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, तो ये जो प्रोडक्शन या रिसोर्स एलोकेशन होता है, इसी प्रोडक्शन या रिसोर्स एलोकेशन को हम ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, यानी जब भी रिसोर्सेस का एलोकेशन या रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन लोगों के नीड्स के लिए, लोगों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए हो रहा है, तो हम उसे ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। साथ ही साथ हमें ये तो पता चला है कि हमें क्या बनाना है, कौन सी गुड्स, अब कैसे बनाना है। सो दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, अब हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर होता है कि हमें क्या फैक्ट्री लगानी होगी, कितना लेबर कैपिटल, क्या इक्विपमेंट,
क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, यानी कैसे इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है। तो अगर एक पहली बात तो हमने लोगों के नीड के हिसाब से ये डिसाइड किया कि ठीक है ये चीज़ें बनानी है, फिर उनको बनाने के लिए क्या फैक्ट्री, क्या मैन पावर, क्या कैपिटल, क्या इक्विपमेंट, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, वो हमने फिगर आउट किया। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है, वो होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। ओके, हाउ मच टू प्रोड्यूस, अब कितना प्रोडक्शन करना है। तो ये कितना, हाउ मच का जो आंसर है ये डिपेंड करता है डिमांड, ठीक है। तो उस रीजन में जो भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, या उस इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो एग्रीगेट डिमांड है, एडी, जो टोटल एग्रीगेट डिमांड है, वो तय करता है कि कितना रिसोर्सेस प्रोड्यूस होना चाहिए। यानी कि किसी भी इकॉन हर इकोनॉमी में रिसोर्सेस स्केयर हैं, तो हम उनसे कुछ चीज़ें ही बना सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटीज़ में। अगर उन चीज़ों को हम लोगों के नीड्स के हिसाब से बनाएं तो उसे ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन कहेंगे। कितना बनानी है वो लोगों के डिमांड पे डिपेंड करेगा, कैसे बनानी है वो हम फिगर आउट करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी लगानी है, ठीक है। तो हमने अभी तक समझा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क है, और हमने ये देखा कि स्केयर्सिटी ऑफ रिसोर्स एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। दुनिया के हर देश के पास कुछ रिसोर्सेस कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं, कुछ देशों के पास बहुत सारी रिसोर्सेस की स्केयर्सिटी है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई। अब इनके बाद एक बात आती है कि ये रिसोर्स एलोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपने हमारे हिस्ट्री से, ठीक है, हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से, और वहाँ से आप समझेंगे कि ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप ऐसे समझिए कि इकोनॉमी में दो यूनिट होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के तो दो ही यूनिट होते हैं। पहला होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जब भी प्रोडक्शन करता है तो उनका मोटिव प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी मोटिव प्रॉफिट होता है, पर अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट इनका मोटिव सोशल वेलफेयर भी होता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि ये जो रिसोर्स एलोकेशन है ये दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि रिसोर्स एलोकेशन मार्केट मैकेनिज्म से हो, ठीक है, एक तो रिसोर्स एलोकेशन का तरीका मार्केट मैकेनिज्म हो सकता है, अब मैं जरा, और दूसरा तरीका हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक पॉलिसी से इसको डिटरमाइन करे। तो हम पहले देखते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है, दूसरा होता है गवर्नमेंट की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे मैं आपको सिंपली एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, ये आपका सप्लाई है। मैंने डिमांड कर्व ऐसे ही क्यों बनाया, बिकॉज ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, और सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया और ये QS या QD हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है, उस कमोडिटी के लिए इस प्राइस पे इतना ज़्यादा कंज्यूमर डिमांड है, और इतने कंज्यूमर डिमांड के लिए प्रोड्यूसर QS सप्लाई, यानी कि डिमांड सप्लाई को, यानी जो भी डिमांड है वो प्राइस को तय करता है, और उस प्राइस पे प्रोड्यूसर जितना भी डिमांड है अगर उसको सप्लाई करने के लिए विलिंग है तो वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, वो इक्विलिब्रियम स्टेज होता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई आप कह लीजिए सिचुएशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर कंज्यूमर QD डिमांड कर रहा है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कंज्यूमर का डिमांड यहाँ होता D1 पे, तो प्राइस क्या हो जाती, प्राइस कुछ P1 हो जाती ये वाली प्राइस, और यहाँ पर QD ये होता तो एक नया QS हो जाता, QS1 QD1, ठीक है।
यानी अगर कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो अगर हम रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कंज्यूमर के डिमांड के ऊपर छोड़ दें तो ये होता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन या रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए प्योरली ऑन द विशेस ऑफ कंज्यूमर, और इसी को हम कहते हैं मार्केट मैकेनिज्म। लेकिन गवर्नमेंट कई बार रिसोर्स एलोकेशन या प्रोडक्शन लोगों के विश पे नहीं छोड़ती है, उसको अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से इंटरफेयर करती है या फिर आप कह रेगुलेट करती है। अब इसके गवर्नमेंट के पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहला तो होता है सब्सिडी, मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है, पहला सब्सिडी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो पहला तो होता है सब्सिडी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये दो तो आपके पास, तो सॉरी, ये गवर्नमेंट के पास दो मेथड्स होते हैं, सब्सिडी और इनडायरेक्ट। अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा इसेंशियल कमोडिटी है, ठीक है, जिसकी जो हर गरीब इंसान तक पहुंचानी है, तो गवर्नमेंट करते क्या है कि उस प्रोडक्ट पे, जैसे एलपीजी है, तो एलपीजी कुकिंग फ्यूल ये एक बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी हर हाउस होल्ड के लिए, अगर हम उनको काउ डंग या टिम्बर और उन पोल्यूशन से और उनसे जो हार्मफुल इफेक्ट है अगर उससे बचाना है, तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज हो, गवर्नमेंट ये चाहते हैं और हर हाउस को ये मिले, तो इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो इनकी प्राइसेस कम, सब्सिडी देने से प्राइस कम होती है तो हर इंसान के लिए रीचेबल हो जाता है। तो जब भी गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है तो उसका डिमांड बढ़ता है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। और अगर मान लीजिए कोई हार्मफुल प्रोडक्ट है लाइक टोबैको, सिगरेट, उनका कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा हो, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि उनका प्रोडक्शन कम हो तो उन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देगी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो घटेगा, तो उनकी सप्लाई घटेगी तो प्रोडक्शन घटेगा। अब आप समझिए, ये तो रिसोर्स एलोकेशन यानी कि दो तरीके से होता है, एक मार्केट मैकेनिज्म, लार्जली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट मैकेनिज्म काम करता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, और ये सब कुछ की जाती है सोशल वेलफेयर के लिए। इन सारे चीज़ों के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज के बजाय, हो सकता है कि देश में, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा कि, एक सेकेंड मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, अभी तक हमने ये देखा कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज से क्या चेंजेस करते हैं। अब सवाल आता है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम अपना ले, ठीक है, जिसमें कि वो सारे प्रोडक्शन के मैकेनिज्म अपने हाथ में कंट्रोल कर ले, लाइक कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, तो जो सोशलिज्म का सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन लार्जली गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अलाउ ना हो, सारे के सारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गवर्नमेंट के हाथ में हो, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को हम कम्युनिज्म कहते हैं, या कम्युनिज्म इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो ये एक एग्जाम्पल था, इसका हम लेते हैं यूएसएसआर, ओके, यूएसएसआर, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब नाम, मतलब थोड़ा हो सकता है मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, यानी जो भी सोवियत यूनियन था, ठीक है, तो सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो कम्युनिस्ट थे। अब इनसे ब्लंडर क्या हुआ, मैंने कहा ना कि अगर आप लोगों का वेलफेयर चाहते हैं तो रिसोर्स एलोकेशन लोगों के नीड के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन सोवियत यूनियन ने क्या किया कि रिसोर्स एलोकेशन जो था इनका बहुत डिस्टॉर्टेड रिसोर्स एलोकेशन था। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही थी स्पेस प्रोग्राम पे, बहुत हैवीली एक्सपेंड कर रही थी, साथ ही साथ ये 10 साल, इनका जो अफगानिस्तान इन्वेजन था, ओके, अफगानिस्तान में जो इन्वेजन था, ओके, उसकी वजह से ये 10 सालों तक तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे, जो इसको कि अमेरिका और पाकिस्तान का सपोर्ट था,
साथ ही साथ वियतनाम वॉर में, जिसको अमेरिका डायरेक्टली लड़ रहा था पर सोवियत यूनियन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, बिकॉज जो भी वियतनामीज फोर्सेस थी या जो भी रिवोल्यूशनरी फोर्सेस या थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे और उनको सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, तो उनको पैसे देना, वेपन्स देना, ठीक है, तो वो वियतनाम वॉर। साथ ही साथ दुनिया में आस पड़ोस के देशों में जहाँ पे स्टालिन को अपनी सोवियत, आप कह लीजिए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना था, प्रोपोगेट करना था, उन आइडियोलॉजी के प्रमोशन के लिए सरकारों को पैसे देना, ठीक है, उनको फंड करना, हेल्प करना, तो वहाँ भी इनके ढेर सारे रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे थे। साथ ही साथ ये अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों में अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। अब ये जो स्पेस प्रोग्राम, अफगानिस्तान वॉर, वियतनाम वॉर, अदर गवर्नमेंट्स को पैसे देना ताकि वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर आए, चाइना में ये शुरू में बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, साथ ही साथ अफ्रीका में प्रॉक्सी वॉर, मिडिल ईस्ट में इनका प्रॉक्सी वॉर, ये सारा प्रोसेस एक बहुत हैवी एक्सपेंडिचर साबित हुआ सोवियत यूनियन के ऊपर। और इतना हैवी एक्सपेंडिचर जब भी कोई सरकार करती है, देखिए रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड या स्केयर्स होंगे, और अगर आप रिसोर्सेस को इन चीज़ों के लिए डाइवर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो लोगों के नीड्स के लिए, लोगों के डिमांड और नीड्स के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम क्रम्बल होती है, ठीक है। यानी जिस देश में रिसोर्सेस का एलोकेशन, यानी गवर्नमेंट रिसोर्सेस को इकोनॉमी से सकआउट करके उन चीज़ों पे खर्च कर रही है, लाइक न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वॉर्स में, प्रॉक्सी वॉर्स में, अदर गवर्नमेंट्स को फंड करना, तो जब आप सारा रिसोर्सेस पैसा वहाँ लगा रहे हो तो आप ज़रूरी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। और आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम अपनाई है जहाँ पे सारा प्रोडक्शन आपने कंट्रोल किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अगर वो होता तो प्रॉफिट मोटिव के लिए वो लोगों के मन मुताबिक चीज़ें बनाती है, और अगर प्राइवेट सेक्टर होता भी और सरकार उससे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनवाती तो भी उसको तो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगेन रिसोर्सेस सकआउट हो जाते हैं अलग चीज़ों के लिए। तो जिन भी देशों में प्रोडक्शन लोगों के नीड्स के हिसाब से नहीं होता, वहाँ पे लोगों की लाइफ मिजरेबल हो जाती है, फिर सिविल वॉर होता है, गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन, सिविल वॉर। तो यही कारण था सोवियत यूनियन के टूटने का, बिकॉज सोवियत यूनियन की इकोनॉमी क्रम्बल कर गई थी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने तो सबसे पहले ये देखा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क क्या होता है, हमने ये देखा कि इकोनॉमी होता क्या है, और हमने ये देखा कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स हर इकोनॉमी में एक कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ न कुछ रिसोर्सेस या तो बहुत स्केर्स होते हैं या ना के बराबर होते हैं, तो हमें उसके लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, और जो रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, उन स्केर्स रिसोर्सेस से हम स्केर्स लिमिटेड चीज़ें बना सकते हैं। तो वॉट टू पर क्या बनाना है? लोगों की ज़रूरतों, नीड्स के हिसाब से बनाना है। कैसे बनाना है वो हम फिगर आउट, कितना बनाना है डिमांड पे डिपेंड करता है। अब जब भी हम इकोनॉमी के रिसोर्सेज को लोगों के नीड के हिसाब से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन मार्केट मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता है, बिकॉज लोग ऐसी चीज़ों के भी नीड कर सकते हैं जो हार्मफुल प्रोडक्ट हो, टॉक्सिक सब्सटेंस हो, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज से, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाकर उनके प्राइसेस को बढ़ा देती है ताकि उनका प्रोडक्शन डीमोटिवेट हो, और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर सब तक कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ पहुँचे उनके प्राइसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लाइक एलपीजी। और मैंने बताया कि गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक पॉलिसी से इंटरफेयर करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल कर ले, सारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि सोवियत यूनियन ने किया, तो उन्होंने लोगों की जो विशेष थी, लोगों के जो नीड्स एस्पिरेशंस थे उनको इग्नोर कर दिया, और अमेरिका के खिलाफ अपनी प्रेस्टीज वॉर लड़ते रहे, सो दे इग्नोर द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, दैट इज़ वाई द लाइफ ऑफ पीपल इन सोवियत बिकम्स मिजरेबल, और ये उनके टूटने का एक बड़ा कारण था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में लार्जली हमने क्या समझा? इकोनॉमी में देखिए प्रोडक्शन के दो ही यूनिट होते हैं, पहला होता है आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, जिसका कि मोटिव प्रॉफिट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट एंटिटीज जिनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो आई थिंक
तो आई थिंक आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आज हमने इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में फ़र्क देखा, हमने स्कैसिटी ऑफ रिसोर्स देखा, उनसे जुड़े कुछ सवालें देखी, ठीक है, हमने ये देखा कि फिर ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है और ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करती है, और अगर एक ख़राब इकोनॉमिक सिस्टम हो तो उसके नतीजे क्या होते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम बाकी बेसिक टर्म्स देखेंगे। थैंक यू।